हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीवर टुडे डॉट कॉम। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट टू। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कि ये केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप्स की होती हैं। सो केमिकल इक्वेशंस ब्रॉडली पाँच तरीके के अंदर क्लासिफाइड है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हम बारी बारी इनको एक एक करके पढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो दो सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास दो छोटे छोटे रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने मिलकर एक बड़ा प्रोडक्ट बना दिया। तो ये एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे ए प्लस बी इन दोनों ने मिलकर सी बना दिया। तो ये एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और इसका हम एक केमिकल एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और ये बन गया MgO। तो ये एक हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, वो उन सारी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्लासिफाई करेंगे। दूसरे टाइप का रिएक्शन है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर एक हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो टूटता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के अंदर। जैसे ये हमारे पास एक बड़ा सा रिएक्टेंट था, ये टूटा दो छोटे छोटे रिएक्टेंट्स में, या फिर हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट ए था, इसने टूट कर बी और सी बना दिए। अब ये प्रोसेस देखने में बिल्कुल अपोजिट लग रहा है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के प्रोसेस से। इसका अगर हम केमिकल एग्जांपल कोई लेना चाहें तो ये हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल या फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर एक एलिमेंट या फिर ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल का दूसरे एलिमेंट या फिर ग्रुप को अपनी उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट है, मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ए और बी एटम्स हैं, ये सी आया और इस सी ने यहाँ से ए को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आकर इधर लग गया। तो ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे ये कॉपर सल्फेट है और ये जिंक है, ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, ना कि कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस करा। ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को इस चीज़ को देखने में। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि कॉपर के पास एक पोजीशन थी, कॉपर सल्फेट से अटैच्ड था, जिंक किसी भी चीज़ से अटैच्ड नहीं था, इसी वजह से जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करा और जिंक बन गया जिंक सल्फेट। इसमें नॉर्मली ये होता है कि जो भी दूसरे को डिस्प्लेस करना है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब मोर रिएक्टिव ग्रुप डिस्प्लेस दी अदर ग्रुप। और ये एटम्स के लिए और एलिमेंट्स के लिए भी ये सेम रूल फॉलो होता है। दूसरा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर दोनों ग्रुप सेम रिएक्शन जैसा वो होता है, उसमें दो ग्रुप होते हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट से अटैच्ड होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है ए बी और दूसरा है सी डी। तो यहाँ सी ए को डिस्प्लेस करेगा और ए सी को डिस्प्लेस करेगा और ये बना देंगे सी बी प्लस ए डी। अब हमने इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा और उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास पोजीशन थी, ए बी किसी ना किसी से अटैच था और सी
सी भी किसी ना किसी से अटैच था। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सी ने ए को डिस्प्लेस करा, तो ये भी कहना सही होगा कि ए ने सी को डिस्प्लेस करा। और इसका एक केमिकल एग्जांपल, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन से इसका एग्जांपल देना चाहें, तो ये है कि जो सोडियम सल्फेट है वो रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से, तो बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया बैलेंसिंग होती कैसे है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेरियम ने पहले सोडियम को डिस्प्लेस करा और सोडियम ने अल्टीमेटली बेरियम को डिस्प्लेस करा। सोडियम पहले सल्फेट के साथ अटैच था, अब सोडियम क्लोराइड के साथ अटैच्ड है। पहले बेरियम क्लोराइड के साथ अटैच था, अब बेरियम सल्फेट के साथ अटैच्ड है। तो दोस्तों ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विल बी द रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन सिंपली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव होता है। और रिडक्शन इस प्रोसेस का पूरा उल्टा होता है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाता है। अब ये तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग पढ़ लिया। अब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन के अंदर कैसे हो सकती हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस, और ये बना रहा है सल्फर प्लस HCl। तो यहाँ पर अगर हम सल्फर को देखें तो ये सल्फर हाइड्रोजन से अटैच्ड है और ये वाला सल्फर अलोन है, अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर है। तो इस सल्फर के साथ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अब यहां क्लोरीन है, क्लोरीन यहां अपनी एक एलिमेंटल स्टेट के अंदर था, अब यहां पर इसने HCl बना दिया। तो इसके इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज रिडक्शन। तो हमने देखा कि ये सेम रिएक्शन के अंदर, एक ही केमिकल इक्वेशन के अंदर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर एक रिडॉक्स रिएक्शन। और इसी तरीके से हमने सारे टाइप्स केमिकल रिएक्शंस के कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे, जो टॉपिक्स इन सब बाकी दो वीडियोस में रह गए हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो, एंड अपने जो भी डाउट्स हैं वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर दें, एंड हैव अ नाइस डे।